नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे में इस वक्त की एक ताज़ा अपडेट निकल के आ रही है बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि राज्य में अब एक और व्यक्ति की मौत हो गई है इस कोरोना संक्रमण के चपेट में आने के बाद और राज्य में अब कुल मृतक व्यक्तियों की संख्या 14 बताई जा रही है। अगर हम आपको ग्राफिक्स जरिए दिखा पा रहे हो, इस वक्त लाइव स्ट्रीम के जो ग्राफिक्स है उसके ज़रिए आपको अगर बता पा रहे हो तो कुल अब तक 2870 संक्रमित मरीजों की संख्या है। वहीं अब मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो 14 तक पहुंच गई है। बताया ये जा रहा है कि जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है वह नालंदा का रहने वाला है। तो अब इसके बाद यदि हम कहें तो इस आंकड़े के मुताबिक राज्य में 14वीं मौत हो गई है। नालंदा का रहने वाला एक व्यक्ति जिसने कोरोना की इस लड़ाई में अपना दम तोड़ दिया है। और अब बिहार में पिछले एक सप्ताह में लगभग 1220 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि इन्हीं 7 दिनों में 207 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। देखिए, पॉजिटिव मरीजों का जो स्वस्थ होना है ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उतनी संख्याएं तेज़ नहीं हैं। लगभग 700 से अधिक आंकड़ा ये भी पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम कुल मिलाकर आंकड़े देखें तो संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। दिन में यदि 10-15 लोग ठीक हो जा रहे हैं तो रोज़ इन दिनों आप देख रहे होंगे 150 से 200 लोग संक्रमित भी हो जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि 300 से अधिक लोग एक दिनों में इस संक्रमण की चेन के चपेट में आ गए हैं। और देखने वाली बात यह है कि अब यदि बिहार को ये मानना होगा या जानना होगा कि सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और कुल मृतक व्यक्ति की जो संख्या 14 है। हम बार बार आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अब मौत का भी जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में हम क्या कह रहे हैं आपको, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि लगातार सतर्क होने को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, बिहार के जितने आला अधिकारी हों, DGP गुप्तेश्वर पांडे हो, ये सभी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो वीडियो संदेश जारी होता है उसके थ्रू आपको ये बता रहे हैं कि अब आप सचेत हो जाइए। क्योंकि देखिए, संक्रमण का जो चेन है, यदि हम राजधानी पटना की भी बात करें तो 200 से अधिक संक्रमित मरीज सिर्फ राजधानी पटना में मिले हैं। इससे पहले भी यदि हम बात करें, वैशाली में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, शुरुआती दौर में हम देखें तो मुंगेर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो और अब जब नालंदा में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, तो देखने में वाली बात यह है कि अब जो मौत का सिलसिला है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के कुछ और जब अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर अपडेट रखेंगे कि कैसे मौत हो गई, कितने दिनों से वो व्यक्ति संक्रमण की चपेट में था। लेकिन अभी अभी जो खबर निकल के आ रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अपडेट जो निकल के आ रहा है उसके हिसाब से 14वीं मौत। अब आपको सचेत होना होगा क्योंकि आंकड़े हर पल बढ़ रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको सचेत होना होगा। यदि आप सचेत नहीं हुए तो इस संक्रमण की चेन के लपेटे में कहीं आप ना जाएं। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।